देश का किसान अब हर रोज सुसाइड कर रहा है। पिछले समय से हमने देखा 2016 से सरकार ने सुसाइड करने वाले किसानों की जो लिस्ट है वो पब्लिश नहीं की गई, लेकिन किसानों की सुसाइड की जो दर है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और उसको रोकने के लिए एक बार पूरे देश के फार्मर को, किसान को ऋण मुक्त करना अति जरूरी है। लेकिन वास्तव में किसान जमीन का मालिक नहीं है। देश का व्यापार, खुदरा व्यापार, उद्योग एकाधिकार की तरफ बढ़ाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल इज द ओरिजिनल सपोर्टिंग ऑफ द फार्मर्स एसोसिएशन। जो देश में चल रहा है, जो मोटे तौर पर मैं कहूं कि जो तीन कानून थे हमारे काले कानून, ये तीन कानूनों का केवल ये मूल एक लाइन में बताया जाए कि इनके माध्यम से 16 लाख करोड़ हजार करोड़ के जो व्यापार एग्रीकल्चर का है, कृषि का है, इसको कॉरपोरेट के हवाले करने की मंशा थी, वो उनकी मंशा फेल हो गई। अब अलग तरीके से नए नए कानून लाकर और उसको लागू करने की सरकार की मंशा है, जिसमें चार पांच बड़े बड़े व्यापारी हैं, चाहे वो खुदरा व्यापार में मॉल हो, अडानी जी का मामला है, आपका ये अमेजॉन है, इनके को हवाले करने के लिए स्थिति बनी हुई है। इन तमाम चीज़ों पर आज अध्ययन के स्टडी किया और उसके लिए एक रणनीति के तहत हम लोग आगे काम करेंगे। अब हमारे सीनियर लीडर दल्लेवाल जी पंजाब से हैं, वो आपके सामने विषय रखें। उसी बात को थोड़ा और उसमें ऐड करते हुए, कुछ आगे बढ़ाते हुए, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि आज की जो यहाँ कन्वेंशन थी, इस कन्वेंशन का मेन एजेंडा था कि जैसे कक्का जी ने बात कही है कि तीन कानून लेकर आई थी सरकार हमारे खिलाफ, उसको हमने रोक लिया और अलग अलग तरीके से उनको फिर से सरकार प्रयास कर रही है लाने के लिए। लेकिन उसका मूल क्या है, उसकी जड़ क्या थी? उसकी मेन जड़ थी WTO की जो पॉलिसीज हैं वो हमारी हर कोई भी सरकार बने वो उसको लागू करने के लिए किसानों से ज़मीन छीनकर कॉरपोरेट लोगों के पास उनको देने के लिए और लोगों को मजदूरों में चेंज करके और उन कॉरपोरेट लोगों को सस्ता मजदूर प्रोवाइड करने का काम कर रही है। और उसको अलग अलग तरीके से वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। मेन जड़ है उसकी WTO। WTO के खिलाफ आज यहाँ एजेंडा पास हुआ है कि भारत सरकार, भारत WTO से बाहर आए, सबसे बड़ी बात ये है। और बहुत सारी बातें, जैसे एक जैसे कक्का जी ने बताया कि हमारी पीछे की जो मांगें बाकी पड़ी हैं उसके साथ और बाकी मांगों के साथ दो तीन बातें और भी जुड़ी हैं कि देखिए देश का किसान अब हर रोज़ सुसाइड कर रहा है। पिछले समय से हमने देखा 2016 से सरकार ने सुसाइड करने वाले किसानों की जो लिस्ट है वो पब्लिश नहीं की गई। हमारा वो कोई पर्पज़ नहीं है, हमारा ये कहना है कि सरकार ये कहने का प्रयास कर रही है कि हमारे समय में किसानों की आय बढ़ गई है, किसानों ने सुसाइड ही नहीं किया, लेकिन किसानों की सुसाइड की जो दर है वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और उसको रोकने के लिए एक बार पूरे देश के फार्मर को, किसान को ऋण मुक्त करना अति जरूरी है और आगे वो सर्वाइव कर पाए, जिंदा रह पाए, उसका परिवार आगे कैसे चले, उसके लिए डॉक्टर कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला, वैसे देना तो प्राइस इंडेक्स के मुताबिक किसान को फसल का भाव देना बनता है, लेकिन वो नहीं सरकार दे पा रही, तो इन्हीं का ही तैयार किया हुआ कमीशन डॉक्टर स्वामीनाथन की चेयरमैनशिप के थल्ले जो काम किया, उस कमीशन ने जो सिफारिशें दी हैं सरकार को, वो 2006 से सरकार के पास पड़ी हैं। और हमारी सरकार, मोदी जी ने वायदा भी किया हमारे साथ कि हम इस रिपोर्ट को लागू करेंगे। और हमारी मांग है कि C2+50 के हिसाब से किसानों को आगे सर्वाइव करवाने के लिए फसल का भाव देना अति जरूरी है और वो दे सरकार। इस पर काम करने के लिए हमारा ये प्रयास है कि हम आगे देखिए, एक पूरे देश का किसान, कहने को तो ये है कि जमीन किसानों की है, किसानों के पास है, लेकिन वास्तव में किसान जमीन का मालिक नहीं है। किसान को अपनी जमीन का, अपनी
धरती का हक मालकियत दिलवाना हमारी आगे की मांग में वो भी जुड़ा गया है, उस पर भी हम काम करेंगे। बाकी बात हमारे जैन जी रखेंगे। देश का व्यापार, खुदरा व्यापार, उद्योग एकाधिकार की तरफ बढ़ाया जा रहा है, कुछ निगम कॉरपोरेट सेक्टर इसके ऊपर कब्जे में बढ़ता है, दिन में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से 7 करोड़ जो खुदरा व्यापार में व्यापारी संलग्न हैं उनके पास उनके ऊपर रोजगार का संकट पैदा हो गया है और वो सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथियों, जिस प्रकार से भारत में जो ऐसी व्यवस्था चल रही है उसके ऊपर में हम सब लोग इस किसान मोर्चा, किसान मजदूर के साथ हैं। भारत के 7 करोड़ व्यापारी जाग चुके हैं और वो इस जद्दोजहद लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। FDI की शुरुआत आज से 20 साल पहले शुरुआत हुई और वो आज पहुंचते जो स्थिति ये पहुंच गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग खुदरा व्यापार को खा गया है और इससे इसके कारण से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और देश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, असंतोष बढ़ रहा है। इस लड़ाई के अंदर हम सब स्टेक होल्डर्स एक साथ आकर इसका संघर्ष करेंगे और भारत सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो जो बात कहे उसके ऊपर कमर करे और देश के खुदरा व्यापारियों को और उद्योग को और किसानों को, मजदूरों को उनका हक दिलाए। इस बात की लड़ाई हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। इसके बाद शांता कुमार जी तमिलनाडु से हैं, एक कर्नाटका से हैं, दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता हैं, अब वो आपके समक्ष रखें। माय डियर फ्रेंड्स, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल इज द ओरिजिनल सपोर्टिंग ऑफ द फार्मर्स एसोसिएशन, सो दैट वी आर टेकिंग अपॉर्चुनिटी ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा का सपोर्ट इन आवर साउथ इंडिया फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर टेलिंग farmer side, they are going to politics, so I don't want anything of politics. This is a non-political SKM, so that we are supporting the SKM leadership and then what they are taken decision. We are South Indian states farmer leaders also supporting this issue. Main issue, farmers loan waiver issue, this is very important. Another issue, MSP guarantee law, that is also very important in our country farmer. So this is very important issue. FDA also important. All our leaders are taking opportunity. We are supporting in our South India. Next meeting in Samyukta Kisan Morcha in our South India level, all India farmer leaders welcome to there. We are taking opportunity. Good meeting and good agitation starting from South India, definitely. So this is very important issue, our farmers.